मैं राष्ट्रीय स्तर पे 12 मेडल 2004 से लेकर 2010 तक जीता हूँ। 2006 का एशियाड गेम कुआलालंपुर मलेशिया में 47 देश में 5 किलोमीटर रेस में 14 नंबर पे आया था। उसी के आधार पर मुझे 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज सम्मान दिव्यांग का राज सम्मान मुझे मिला था, जिसमें प्रशस्ति पत्र और शील्ड मुझे प्राप्त है। आर्थिक रूप से एक चौनी नहीं मिला, चूंकि मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और मैंने खिलाड़ी होने के नाते आगे तैयारी के लिए जिला से लेकर के मुख्यमंत्री तक विवेकाधीन कोर्स आदि की मांग की, लेकिन आज तक मुझे किस सरकार में आपने मांग की थी? श्री मुलायम जी की सरकार थी और मायावती जी की सरकार, दोनों में हमने मांग की, लेकिन एक चवन्नी मुझे अभी तक नहीं मिला। और नौकरी के लिए कम से कम 20 आवेदन किए, इंटरव्यू दिए, न चपरासी के लेकर चौकीदार तक भी नहीं मिली, चूंकि हमने 2009 में बीबीएड कर लिया, नहीं तो आज मुझे अनुदेशक की नौकरी भी नहीं मिलती, जो कि 8,470। सरकार की तरफ से क्या सहयोग रहा आपके खेल में, जर्मनी वगैरह और जहाँ जहाँ आप गए? सरकार के सहयोग से मुझे अब तक एक चवन्नी नहीं मिला है, चूंकि हमारे गुरुजी एक अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं, जिन्हें जन सहयोग की बदौलत में कुछ पैसे मांग करके, घर से भी मांग करके मैं कहीं जाना था आना था, इसलिए मैं खेलता था और अच्छा प्रदर्शन करता था। जर्मनी कैसे गए थे आप? जर्मनी भिक्षाटन किए थे और भिक्षाटन का जो पैसा मिला था कुछ लोग सहयोग किए थे। इन वक्त पर मुझे वीजा नहीं दिया गया, 15 दिनों का कैंसिल कर दिया गया था, जो लोग पैसे दिए थे मैं उनका वापस कर दिया। उस समय एंट्री फीस के लिए 75,000 रूपया लगा था सर।